हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट में सीखे। आज हम बात करेंगे सिटी यूनियन बैंक के बारे में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ। इसका मैनेजमेंट इसको बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। अगर हम बात करेंगे अगर इसको फेडरल बैंक के साथ, स्मॉल बैंक्स में मैंने आपको रिकमेंड किया था इसके पहले फेडरल बैंक को। फेडरल बैंक भी बहुत ही शानदार बैंक में से एक है। अगर स्मॉल बैंक की बात करेंगे 100 रुपीज़ के नीचे के, तो आप देखिए, अगर हम बात करेंगे सिटी यूनियन बैंक के बारे में, तो थोड़ा सा अगर दोनों कंपेयर करें तो सिटी यूनियन बैंक ज़्यादा स्ट्रांग आपको नज़र आता है, क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट है बहुत ही शानदार, लाजवाब और बिल्कुल भी आपको रिस्क फ्री होके ये आगे बढ़ रहा है। एक्सीलरेशन ग्रोथ में उतनी ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें रिस्क कुछ भी ना रहे, इन पर फोकस करते हैं ये, इसलिए अपनी बैलेंस शीट को बहुत ही स्ट्रांग बना के रखे हैं गुड फंडामेंटल्स के साथ। चलिए हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। उससे पहले कृपया कर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो हमें मोटिवेट करता है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें जो आपको मार्केट आवर में बहुत हेल्प करेगा। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके स्टेट्स के बारे में, देखिए 13,778 करोड़ की शानदार मार्केट कैप कंपनी है। डिविडेंड डील्ड की बात करेंगे 0.27 की ठीक ठाक डिविडेंड डील्ड है। अगर हम इंडस्ट्री की पी की बात करेंगे तो 30.3547 है, और आपको ये मिल रहा है 33 की, थोड़ी सी सस्ती पी पर। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 5.54 है। अगर ये स्टॉक आपको 186 की रेंज में मिल रहा है, तो ये मॉरेटोरियम की वजह से है, क्योंकि मॉरेटोरियम में इसमें एक भी पेमेंट इसको नहीं मिली है। सिंगल पेमेंट भी देखिए, आज सिंगल पेमेंट ड्यूरिंग मॉरेटोरियम नॉट रिसीव्ड। तो देखिए, आपको एक भी बिल्कुल भी पेमेंट इसको मॉरेटोरियम के टाइम पर नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इसमें प्रेशर बना हुआ था, लेकिन मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके फंडामेंटल्स को कंट्रोल करके रखा है। देखिए, ICICI डायरेक्ट ने कुछ रिसर्च की थी, उसको पढ़ के मैं बताता हूँ। सिटी यूनियन बैंक रिपोर्टेड अ डिसेंट नंबर ऑन द ऑपरेटिंग फ्रंट विथ एन इंप्रूवमेंट इन मार्जिन एंड कंट्रोल कॉस्ट। इम्प्रूव मार्जिन और जो कंट्रोल कॉस्ट था उस पर इम्प्रूवमेंट किया है। अगर हम बिजनेस ग्रोथ हाउएवर वॉज ऑन द स्लोअर साइड, बिजनेस ग्रोथ स्लोअर साइड में है, बट एज द मैनेजमेंट स्टिल मेंटेन अ कॉशियस अप्रोच एंड वुड रिव्यू सिचुएशन इन कमिंग क्वार्टर। तो आप देख सकते हैं, अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने से पहले ये को पढ़ के समझ के क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं रिव्यू, फिर आप बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करके रखा है। तो आउटलुक क्या है, वी रिमेन पॉजिटिव फंडामेंटल्स। ICICI ने बोला है फंडामेंटल बहुत ही शानदार हैं। अगर हम बात करेंगे तो होल्ड पोजीशन दी है 200 के टारगेट्स के साथ, तो अभी आप इसको बाय रेटिंग्स में रख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके चार्ट्स में, तो देखिए चार्ट्स में आपको वन डे में दिख रहा होगा ये कंसोलिडेट होता रहा। अगर हम बात करेंगे वन वीक के चार्ट पैटर्न में, तो 173 का इसने लो लगाया, 186 का हाई लगाया था। अगर हम वन मंथ में बात करेंगे तो 198 का हाई लगाया, देखिए 198 मतलब 200 के आसपास का हाई लगाया था। इस हाई को आपको कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स लेके चल सकते हैं। अगर हम बात करेंगे वन ईयर के चार्ट पैटर्न की, देखिए वन ईयर में इसने 1244 का हाई लगाया, 244 का ये आपको हाई दिख रहा होगा यहाँ पे, 244 कोरोना के टाइम पे, फिर कंसोलिडेट होता रहा और थोड़ा सा भी आपको उठता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां पर सेंसेक्स और बाकी के निफ्टी ने वी शेप रैली आपको नजर आ रही है, बहुत सारे स्टॉक्स में बिल्कुल इस तरीके से वी शेप रैली नजर आ रही है, यहां पे ये गिरने के बाद बिल्कुल अभी वी शेप नहीं आया है, मतलब अभी आपको इस लेवल पे आता हुआ ये नजर आएगा 225 के आसपास, 240 के आसपास। तो ये लेवल अभी आप लेके चल सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म इसमें अप्रोच है, अपने पोजिशन बनानी है। ये देखिए वन ईयर के, 10 ईयर के चार्ट पैटर्न में बात करेंगे तो देखिए कितना शानदार बुलिश ट्रेंड है, और उसके बाद ये कोरोना के टाइम पे डिप लगाई थी, उसके बाद फिर से अपने ट्रेंड चालू करके रखा है, मतलब ये इस लेवल्स पे आता हुआ नजर आपको दिख सकता है फ्यूचर में। तो आप अगर इसमें पोजीशन बनाते हैं तो बिल्कुल भी घाटे में नहीं रहेंगे। अगर इसका ट्रेंड देखेंगे 10 इयर्स का, किसी भी स्टॉक को आपको अगर जानना है तो उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड निकालिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक कैसे वर्क कर रहा है। देखिए जबरदस्त इसमें बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, कोरोना के बाद गिरने के बाद फिर से इसमें बुलिश ट्रेंड को पकड़ लिया है अपने, आपको बहुत बेनिफिट करेगा अगर आप इसको पोर्टफोलियो में जगह देते हैं ये। और एक दूसरा है फेडरल बैंक। चलिए हम अगर बात करेंगे इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू आपको लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा होगा, 4.28 से 4.85 हुआ 2020 में। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अभी देखिए मॉरेटोरियम की वजह से तो सारे बैंक की हालत बेकार थी प्रॉफिटेबिलिटी में, लेकिन आपने देखा होगा लास्ट में देखेंगे तो 0.50 से 0.59, 0.68, और ये गोल्ड लोन में ज़्यादा थोड़ा सा उसके ऊपर भरोसा जता रहा है, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 53.81 के स्टॉक्स हैं। अगर हम बात करेंगे FIS के पास लगभग 18 से 19% के, म्यूचुअल फंड्स के पास 26% के, और अदर के पास 0.74 की। तो अगर हम बात करेंगे इसके प्लेज प्रमोटर होल्डिंग्स की, तो नन है, आपको बहुत ही
अच्छी होल्डिंग्स के साथ नजर आ रही है। फंडा थोड़ा सा डीएनए देखेंगे, स्टॉक डीएनए तो देखिए, जहां स्टॉक माइनस में 20% के रिटर्न जनरेट किए हैं वन ईयर, वहां सेंसेक्स भागा है 12% और बीएसई 500 भागा है 14.80%। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.27% की डिविडेंड यील्ड है। देखिए ये आईसीआई डायरेक्ट ने दिया था, यूनियन फोकस ऑन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे फोकस कर रहा है। दौलत कैपिटल ने क्या बोला है, कवरेज ऑन यूनियन बैंक, दौलत कैपिटल इस पर नज़र बना कर रखा है। अगर हम चार्ट्स में आएँ तो देखिए चार्ट्स में आपको ये शानदार आपको चार्ट्स इसका नज़र आ रहा होगा। अभी जो कोविड के बाद से है, कोविड के बाद लगातार अप डाउन के साथ ये एकदम बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। थोड़ी सी इसने यहाँ पर डिप लगाई थी, हमें लग रहा था ये थोड़े नीचे की तरफ आएगा, तब मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो इसने लास्ट कैंडल बनाई है वो एकदम बुलिश बनाई है। ग्रीन कैंडल बहुत ही शानदार है, जो इसके जो नेगेटिव ट्रेंड इसमें थोड़ा सा बन रहा था उसको इसने बिल्कुल नकार दिया है और तोड़ के फिर ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया है। तो आपको अगर ये इस इन लेवल्स पे आता हुआ नज़र आएगा कुछ टाइम में, आप तो बिल्कुल आप इसमें चौंकिएगा मत। 240 का जो टारगेट है आपको इसको लेके चलना है। अगर आप यहाँ से बाइंग इनिशिएट करते हैं इसमें, आप बिल्कुल यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। देखिए आपको अगर बाइंग करनी है तो आप बिल्कुल इन लेवल्स पे कर सकते हैं, 178 या 180 के आसपास आप इसको बाय कीजिए, या बाय करने के बाद आप टारगेट्स ले सकते हैं, या तो अगर नियर टर्म टारगेट लेना है तो ये ले सकते हैं 230 के आसपास, 225 के आसपास के नियर टर्म टारगेट ले सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म थोड़ा सा जानना है तो आप आराम से इसमें 240 के आसपास के टारगेट लीजिए और इसमें अपने हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर दीजिए, अगर चाहते हैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा एकोमोडेट करना तो यहाँ से एकोमोडेट कर सकते हैं। अगर हम वन वीक के चार्ट आपको वीकली चार्ट पैटर्न बताएंगे, देखिए शानदार आपको बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा होगा। कोविड के बाद गिरने के बाद फिर से आपको एक बार ये बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो आप इन लेवल्स पे अगर ये आए आपको एक साल डेढ़ साल में, तो आप बिल्कुल भी चौंकिए मत, ये आपको अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके देगा। आप 6 महीने इसमें रुकेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं इस स्टॉक ने, बहुत ही शानदार है। सिटी यूनियन बैंक, मैं इस पर अगर फंडामेंटली बोर्ड देखूंगा तो आप फेडरल बैंक से इसको ऊपर रख सकते हैं बहुत ही। अगर ग्रोथ में देखेंगे तो बेशक फेडरल बैंक आगे है, लेकिन ये अपनी फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हैं। अगर हम बात करेंगे लास्ट डे की ट्रेडिंग सेशन की डिलीवरीज की, तो 55% की शानदार डिलीवरीज हुई हैं, जो दिखाता है कि लोग इसमें खासे इंटरेस्टेड हैं, लोग इसको बाय कर रहे हैं। आप भी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं बेशक इस स्टॉक को। मेरी तरफ से बाय रेटिंग्स हैं इसके लिए और मैंने टारगेट्स आपको बता दिए। थोड़ा बहुत गिरता है तो बिल्कुल भी मत डरिए, बहुत ही शानदार इसका बुलिश ट्रेंड बना हुआ है 10 साल से। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में लिख के बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है, और अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।